एपिसोड ऑफ कुकिंग रेसिपीज फॉर योर हेल्दी किचन. आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल बर्गर. ये बहुत ही हम हेल्दी वे में बनाएंगे. आज इसके अंदर हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करने वाले हैं. तो इसके लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए 3 मीडियम आलू बॉईल करे हुए. बॉईल करके आप इसे पील कर लीजिए. 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 1.5 से 2 गाजर बारीक कटी हुई, 1 कप मटर उबले हुए, गोभी के थोड़े से फ्लोरेट्स ले लीजिए, उसको हल्का सा गर्म पानी में उबाल लीजिए और बारीक कटी हुई थोड़ी सी ब्रोकली आप ले सकते हैं, हल्का 2 से 3 तुरियां गार्लिक की कुटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च, अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे हम, वैसे आज हम इसको एयर फ्रायर में करेंगे, और 2 ब्रेड ग्राइंडर में पिसी हुई ब्रेड क्रम्स. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 2 ब्रेड लेंगे और उसको ड्राई ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और ऐसे ये ग्राइंड होके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे. इस बर्गर को और भी हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें मेयोनीज की जगह पे हंग कर्ड यूज़ कर रहे हैं. आप हंग कर्ड दही ले सकते हैं नॉर्मल घर में आपके है जो, उसको आप मलमल के किसी भी कपड़े में लटका दीजिए, थोड़ा उसका पानी निकलने दीजिए, आधा घंटे से 45 मिनट्स के लिए आप रखिए इसको. उसके बाद ये एकदम थिक कर्ड निकल आएगी, इसको यूज़ करेंगे हम. तो हंग कर्ड में हम थोड़े से बेल पेपर्स डाल रहे हैं बारीक कटे हुए, थोड़े से ऑलिव्स डाल रहे हैं, ऑलिव्स ऑप्शनल है आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते, चीज़ डाल रहे हैं, थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ लिया है हमने, और हर्ब्स लिए हैं. ये नॉर्मल ओरिगेनो हर्ब्स हैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग्स जैसे आपको मिलती हैं, ये फ्लेवर को इन्हांस करता है. हम थोड़ा सा डालेंगे तो हमारा फ्लेवर इस डिप का बहुत ही टेस्टी हो जाएगा एंड इट विल गिव अ न्यू फ्लेवर टू योर बर्गर. बर्गर को असेंबल करने के लिए आपको एक क्यूकम्बर चाहिए ऐसे स्लाइस्ड गोल गोल कटे हुए, 1 टमेटो, अनियन 1 रिंग्स में कटा हुआ, लेटिस एंड पनीर. और यूज़ करेंगे हम बर्गर बंस, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं. हम प्रेफर करते हैं वीट बर्गर बंस जो कि आज ज़्यादा हेल्दी हैं, तो हमने वीट बर्गर बंस लिए हैं, साथ में थोड़ा सा बटर, इसको हल्का सा तवे पे हम टॉस कर सकते हैं. अब जो आलू हमने बॉईल किए थे उसको हमने मैश कर लिया है. आप आलू को पील कर लीजिएगा, ध्यान रखिए कि आप इसे मैश करें, ग्रेट ना करें, क्योंकि आप ग्रेट करते हैं तो कई बार ये आलू थोड़ा पतला हो जाता है. हमने इसके अंदर पहले हमने थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स डाला था, अब हमने बाकी का वेजिटेबल्स भी डाल लिया ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर सकें, और जो थोड़ा गार्लिक था वो भी डाल लीजिए इसके अंदर. हमारी वेजिटेबल्स और पोटैटो, आलू, नमक सब अच्छे से मिक्स हो गया है. इसके अंदर हमने आलू, मटर, गाजर, प्याज, गोभी और ब्रोकली सारा मिक्स कर दिया है. अब हम इसके टिक्कियां बनाएंगे. थोड़ा सा आप एक प्लेट पे हल्का सा ऑयल लगा लें, हम एयर फ्रायर में करने वाले हैं तो इसलिए हमने हल्का सा इसमें ऑयल लगा लिया है. अब आप हाथ में बॉल ये लेकर आप इसकी गोल गोल टिक्कियां बना सकते हैं. अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा पतला रह गया है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड को और ग्राइंड करके डाल सकते हैं. इस तरीके से आप टिक्कियां बना सकते हैं. अब हमारी टिक्की रेडी हो गई है. इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल ब्रश करेंगे क्योंकि हमने इसे एयर फ्राई में करना है. अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो बस आपको इसके अंदर 1 से 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले लो, थोड़ा सा पानी डाल के एक मिक्सचर बना लीजिए. इस मिक्सचर से आपको अपने टिक्की को ब्रश करना है बस, और फिर डीप फ्राई आप इजीली कर सकते हैं. इससे ना ही ऑयल ज़्यादा पिएगा और आपकी टिक्की और अच्छे टूटेगी भी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएगी. आप चाहें तो इस पे ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं क्रिस्प करने के लिए.
अब हमारा तेल गरम हो गया है, चेक कर सकते हैं कुछ भी इसमें डाल के, अगर ऊपर आ रहा है इसका मतलब आप हमारा तेल गरम हो गया है। दूसरी टिक्की भी ब्रश कर लेंगे। हम अपना एयर फ्रायर लेंगे और इसके अंदर जो हमने अपनी टिक्कीज ब्रश करके रखी थी ऑयल से, वो हम इसके अंदर डालेंगे। ध्यान रखिएगा एयर फ्रायर में जब आप कर रहे हैं तो एयर फ्रायर को थोड़ा प्री हीट करके रखें और उसको 180 से 160-180 डिग्री पे आप उसको हीट करके रख सकते हैं। चार टिक्कियाँ आपकी एक बार में आ जाएंगी। और हम इसको 10 से 15 मिनट में हम एयर फ्रायर में ये टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। जब तक हमारा टिक्की हो रही हैं, फ्राई हो रही हैं, हम तब तक ये डिप बना लेंगे अपना, जो ये सॉस है इसके अंदर हमने हंग कर्ड ऐड किया, थोड़ा सा चीज़ जो हमने ग्रेट करके रखा है ये डाला, बेल पेपर्स थोड़े से, ऑलिव्स, थोड़ी सी हर्ब्स, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काली मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये एक बहुत ही हेल्दी वे है, अपने इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला इस रेसिपी में, हमने हल्का सा चीज़ ही डाला है, बाकी हंग कर्ड है इसके अंदर। आप चाहें तो इसमें भी गार्लिक का थोड़ा सा फ्लेवर दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी डिप भी बन सकती है, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं, आप बर्गर के साथ भी खा सकते हैं, नॉर्मल टिक्की के साथ भी खा सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक पेस्ट जो है ये मिक्सचर रेडी हो गया, जो कि हम अपने बर्गर पे लगाएंगे। अब एक बार ये अपनी टिक्की को ज़रूर देखें एयर फ्रायर में जब वो हो रही है, चाहें तो हल्का सा उसको ऑयल आप फिर से लगा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से होने हल्की हल्की हो रही शुरू हो गई है, हमने हल्का सा इसमें ऑयल लगा दिया और हम इसे वापस रख देंगे। वो डिप रेडी है, अब हम बर्गर को हल्का सा, बर्गर बंस को हल्का सा बटर में टॉस करेंगे तवे पे। आप बर्गर बंस को इस तरीके से दो हिस्सों में काट लीजिए, नॉनस्टिक में गरम होने रख दीजिए, हल्का सा बटर डालिए, बटर बहुत जल्दी जल जाता है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत तेज आंच पे मत रखिए, हल्का सा मेल्ट होने पे इसके अंदर बन रख डालिए। बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना है बटर से, बस हल्का ताकि एकदम सॉफ्ट नाइस रहे। इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन हो जाए बस, तो आप बेसिकली थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बटर मेल्ट हो जाए हल्का सा। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, बस हल्का हल्का सॉफ्ट रखना है, क्रिस्प नहीं करना है। आप इसको उतार लीजिए। अब हमारे बन हीट हो गए, अब आप देख सकते हो कि हमारी टिक्कियाँ अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसे एयर फ्रायर से निकाल देंगे।
हमने आपके लिए दोनों तरीके से टिक्कियाँ रेडी करी हैं। ये एयर फ्रायर से रेडी हैं, देखिए उतनी ही क्रिस्प हैं और ये और ज़्यादा हेल्दी हैं बिकॉज़ ये डीप फ्राइड नहीं है। और ये भी हमने करी है, ये हमने डीप फ्राई करी थी आपके लिए, ये वो वाली टिक्की है। आप दोनों टेस्ट कर सकते हैं, दोनों के टेस्ट उतने ही हैं टेस्टी होंगे, टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। तो आपको जैसे पसंद हो आप उसी तरीके से इसे टिक्की को बंस हो गए हैं, हीट हमारी टिक्की रेडी हो गई है, हमारा डिप रेडी है लगाने के लिए। अब हम अपने बर्गर्स को असेंबल करेंगे। सबसे पहले आप चाहें तो केचप थोड़ी सी लगा सकते हैं, बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती है, तो आप नीचे की तरफ केचप लगा लीजिए थोड़ी सी। उसके ऊपर लैटिस के पत्ते इस तरीके से, क्यूकम्बर्स, टमेटो, अनियंस अगर आप चाहें तो, पनीर, पनीर हमने इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं और फिर इसके ऊपर डालेंगे हम अपना ये दूसरी तरफ जो हमने बनाया है। इसको कम ज़्यादा जैसे आप चाहें उतना लगा सकते हैं, दिस इज़ वेरी हेल्दी। इसके अंदर आप और भी चीज़ें थोड़ा सा मेयो चाहें तो वो डाल सकते हैं, बट ये ऐसे भी बहुत हेल्दी और टेस्टी लगता है। और ये रही आपकी टिक्की और इस तरीके से आपका वन, यू कैन एक टूथपिक आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा भी हम रेडी कर लेते हैं इसी तरीके से। आप इसमें केचप लगाइए पहले नीचे वाले में, फिर लैटिस, क्यूकम्बर्स, टमेटोज, अनियन, पनीर, आपकी टिक्की, आपका बर्गर अब रेडी है। एकदम हेल्दी बर्गर आपके घर में आप रेडी कर सकते हैं। इसको आप केचप के साथ सर्व करिए, हरी चटनी के साथ, डिप के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट्स और सजेशंस हमें नीचे दे सकते हैं। So we will hope to see you very soon again with another interesting recipe. Thank you so much, friends, and bye-bye.